पंचवटी पर तो कुदरत ने अपना कमाल कर दिया है। हाँ हाँ स्वामी, कुदरत ने तो बहुत ही कमाल किया है। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और हमारी पंचवटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ प्रिय, ये बात तो तुमने सही कही। हमारा साथ जन्मों जन्मों का साथ है प्रिय। जब जब भी हम इस जन्म पे आए, एक दूसरे का साथ पाए। हाँ हाँ स्वामी, मेरा मन भी यही कहता है। हम जन्म जन्म का साथ ऐसे ही निभाएंगे। जन्म का अपना है साथ, टूटे कभी न हाथों से हाथ। आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। जन्म जन्म का अपना है साथ, छूटे कभी ना हाथों से हाथ। आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। जन्म जन्म का अपना है साथ, छूटे कभी ना हाथों से हाथ। आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। Thank you.
दीवाने हो आई, मांग सदा की मैंने हाथों से है तुमने सजाई। हर जन्म में दिए मेरा साथ निभाने हो आई, मांग सदा की मैंने हाथों से अपने सजाई। भूले से बिना भूले आओ हम वादा करें, अपना है सा झूठे कभी ना हाथों से हाथ, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। रब से भी यही कहूँ मैं, बिछड़े कभी ना पाएंगे आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। जन्म जन्म का अपना है साथ, टूटे कभी ना हाथों से हाथ, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। जन्म जन्म का अपना है साथ, झूठे कभी ना हाथों से हाथ, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। Thank you.
आपका रूप समाया। मौजी कहे हम साथ रहे, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। जन्म जन्म का अपना है साथ, छूटे कभी ना हाथों से हाथ, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें, जाओ हम वादा करें, हम वादा करें, आओ हम वादा करें, हम वादा करें। हंसी खुशी से बतीत हो गए। हाँ हाँ स्वामी, पता ही नहीं चला कि 13 वर्ष कैसे बतीत हो गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से ही इंतजार हो रहा होगा। हाँ सीधी, अयोध्या में तो भरत बेचारा गिन गिन के दिन काट रहा होगा। अब जब उसको पता चलेगा माता श्री प्रणाम, माता जी प्रणाम दीजिए, पूजा के लिए पूज लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? सीते, पूजा तो भगवान की की जाती है स्वामी, अब तो आप ही मेरे भगवान हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हर जन्म कि आप ही मेरे स्वामी बने, और हर जन्म आपकी ही पूजा करती रहूं। सीधी, हम भी यही चाहते हैं। लक्ष्मण श्रीपति रामचंद्र भगवान की। मैं बेनती करा का बच्चे हूँ, शोर बिल्कुल नहीं करना, थले पहले सारे प्लीज। ओके Thank you.
आज तो पंचवटी खूबसूरत नजर आ रही है। सोमनके वो सामने कोई राजकुमार दिख रहा है। ये तो काफी सुंदर है। सोमनके तुम्हारा मन लगता है राजकुमारों पर आ गया है। चल सोमनके जी महाराज आप कौन हैं? जरा अपना नाम तो बताइए। दीदी हम अयोध्यापति राजा दशरथ के जाए हैं और उनकी आज्ञा से 10 साल के लिए ब्राह्मण को आए हैं। मेरा नाम राम है और ये छोटे भाई हमारे लक्ष्मण हैं और ये हमारी अर्धांगिनी सीता हमारे साथ आई है। और मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? अरे मैं तो रावण की बहन हूँ।
भाई खार और दूषण इसी जंगल में रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सोमनका कहते हैं। तो फिर आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाई हैं? क्योंकि आप जो है और सोमनका के दिल में जगह पाई है। तुम्हारी ये पहेली हमारी समझ में नहीं आई। अजी दिखने में तो अकलमंद लगते हो और पूरे सुधाई अजी आप मेरे गोमत हो, आप मेरे वो हो और मैं आपकी लुगाई। अब नहीं समझे मेरे बाप के तुम्हारी अफसोस कि मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी सीता मेरे साथ है। अगर लक्ष्मण जी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे खुशी होगी। आप लक्ष्मण जी के पास जाइए, वो आपकी ये मुराद अवश्य पूरी करेंगे और आपका कहना मानेंगे। अच्छा क्या वो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं? हाँ हाँ देवी वो तो बहुत ही सुंदर है। चल सोमनके लक्ष्मण के पास चलती हूँ। Thank you.
हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता की तरफ बढ़ रही है। भ्राता जी, मुझे आपकी आज्ञा का इंतजार था। अब की बार ही ये जहां से खाली हाथ नहीं जाएगी। ऐसे अपने जीवन से अपने कीर्ति का सजा छूट पाएगी। यार थोड़ा साइड पे हो यार, पीछे हो यार, पीछे
हेलो स्त्री जाति पर हाथ उठाना हमारे नियम के खिलाफ है भ्राता जी, जबकि हमारी माता जी के साथ इतनी बदसलूकी कर रही थी इसलिए और उसकी सजा जरूर थी। लक्ष्मण सावधान होकर रहना क्योंकि मुझे तो कुछ राक्षसी माया लगती है भ्राता जी, अभी होगा देखा जाएगा। लक्ष्मण सावधान होकर रहना जो आज्ञा भ्राता श्री, ये जरूर अपने भाइयों के पास ही जाएगी। कोई बात नहीं भैया, देखा जाएगा। अपनी जगह पर छोड़ के रहो। Thank you.
बहुत सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगलों में घूम रहा है। हाँ प्रिय, जरूर पकड़ दूंगा, लेकिन ये हमारे पास ही तो घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? और सीए, तुम इसे पकड़ कर क्या करोगी? मैं इसे पालूंगी और इसे अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगी और इसे अपना सीए, मुमकिन है कि वो यहाँ से भाग जाएगा और हमारे हाथ नहीं आएगा। हाथ नहीं आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? सीए, तुम कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही हो और अपनी जिद पर अड़ी हो। प्रिय, बहुत अच्छा, तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और इसे पकड़ कर लाता हूँ। प्यारे लक्ष्मण, तुम यहाँ अच्छी तरह से खबरदार रहना। भ्राता जी, मुझे तो वो कोई मायावी जीव लग रहा है। लक्ष्मण, कोई बात नहीं, अगर माया रूपी जीव है तो निस्संदेह इसकी मौत हमारे ही हाथों से लिखी है। लक्ष्मण, तुम अच्छी तरह से खबरदार रहना, जब तक मैं वापिस ना आऊं तुम पंचवटी के बाहर कदम मत रखना। जो आ गया भ्राता जी। लगता है
लगता है कि राक्षसों ने तुम्हें लक्ष्मण जल्दी आओ, तुम्हें और आकर मेरी जान बचाओ स्वामी। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और आकर मेरी जान बचाओ। राक्षसों की भला उनके सामने आने की क्या मजाल, रहा संकट संकट पर उन पर क्या काम, इसकी मजाल है माता जब मैं दुख पहुंचाएगा, पूरे यहाँ पर काशित है अंधकार वहां तक आएगा, आया भी क्या करके उठाएगा, जब उन्हान के दर्शन करते ही उसका भाई
आज्ञा का पालन करता तो भैया राम की आज्ञा का लंघन होता है, समझ में कुछ नहीं आता। स्वामी आप किसको बुला रहे हैं? मांग मेरी जो उजड़ गई तो देख मुझे लक्ष्मण। मैं तेरे मतलब जान गई लक्ष्मण, तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। हता दी अगर भैया लक्ष्मण चला गया, आपका यहाँ पर कौन जगह मारेगा? चल रही है फूट है ना मेरी डर हो ना पंडित महार की कट जाए ना सर मेरा चला पड़े पंडित महार की स्वागत भी तो है अपने ही दरिश महार की दशरथ है मुझे राम मित्रा है मुझे धाम की माता माता तुम मुझको कहते हो नहीं मां नहीं, ऐसी आज्ञा मत दो जिसका मैं पालन नहीं कर सकता। अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो भैया राम की आज्ञा का लंघन होता है, समझ में कुछ नहीं आता। क्या करना है चढ़ाना है, भगवान की आज्ञा है इधर माता जी घर माथे। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ पर कौन दिखेगा? मुझे क्या यहाँ पे मौत कर रही है? तो यू ही जीत कर रही है। अच्छा महा मैं चाहता हूँ भवन दे तुम क्या सीखो ऐसा फिर दोनों दबा हो तुम मेरी धंके न कर रहे सूर्य दंड रहा हम मैं आज्ञा पालन करता हूँ पवित्रा संतोष पुरे रघु रही प्राण दे अत्यंत संतोष पुरे पंचवटी है पंचवटी मैं सीता को तुम पर सौंपा एवं देवा है मैं पृक्षो मैं सीता को तुम पर सौंपा। अच्छा माँ मैं चाहता हूँ आप दाता रूप रहना मेरा आज्ञा के भीतर आप इस रेखा के भीतर रहना रेखा में चल चलो जब पंचवटी में आएगा आनंद नकुली काम करेगा। Thank you.
I'm gonna make you mine.
कल जीते, कल मेरे साथ चलिए।